इसके बाद जैसे ही मनी एंड बैंकिंग खत्म हो जाएगा, तो फिर हम नेशनल इनकम की थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी, सब लोग कनेक्ट हो गए। फिर हम नेशनल इनकम की थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। अभी पहले हम मनी एंड बैंकिंग पढ़ते हैं। मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट में बेटा जी दो पार्ट है। पार्ट वन है मनी और पार्ट टू है बैंकिंग। पार्ट वन है मनी और पार्ट टू है बैंकिंग। तो ये जो आपकी यूनिट है ये दो पार्ट्स में चलेगी। यूनिट टू, नेशनल इनकम के दो पार्ट्स क्या थे? एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, ऐसे समझ लो। नेशनल इनकम के दो पार्ट्स हो गए थे, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। मनी एंड बैंकिंग के दो पार्ट्स है, एक पार्ट का नाम है मनी और दूसरे पार्ट का नाम है बैंकिंग। जो बेटा जी मनी वाला पार्ट है ना, ये बहुत छोटा है, तो ये हम बाद में पढ़ लेंगे। आज हम बैंकिंग वाला पार्ट पढ़ते हैं, जिससे आपको कुछ इंटरेस्टिंग भी लगेगा। बैंकिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे, मनी वाला पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए यूनिट टू का। यूनिट टू का नाम है मनी एंड बैंकिंग, जिसका हम पार्ट टू पढ़ रहे हैं बैंकिंग। बी क्विक, क्योंकि इसमें बहुत थोड़े से क्वेश्चन है, आज कल नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। यूनिट टू का पार्ट टू बैंकिंग। सबसे पहले बात करेंगे अच्छा बेटा जी, ये होगा लगभग पूरी यूनिट मिला के 6 मार्क्स की है ये, और ये इतनी बड़ी है भी नहीं, तो 6 मार्क्स इसके लिए बहुत है। बैंकिंग क्या होता है? कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, कुछ लोगों के पास एक्सेस फंड्स होते हैं, और कुछ लोगों के पास बेटा जी डेफिशिट फंड्स होते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गई। कुछ लोगों के पास एक्सेस फंड्स होते हैं और कुछ लोगों के पास डेफिशिट फंड्स होते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, एक्सेस फंड्स होते हैं, डेफिशिट फंड्स होते हैं? कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है भाई, ठीक है, और कुछ लोगों के पास पैसे की कमी होती है। इन दोनों के बीच का जो लिंक होता है उसको हम बोलते हैं बैंक। उसको हम बैंक बोलते हैं, क्योंकि बैंक क्या करता है, जिन लोगों के पास एक्सेस फंड्स होते हैं, जिन लोगों के पास एक्सेस फंड्स होते हैं, वो लोग बैंक में ये पैसा मिताली क्या करा देते हैं, डिपॉजिट। और जिन लोगों के पास डेफिशिट फंड्स होते हैं, बैंक उनको ये पैसा लेंड कर देता है। लोन आपकी भाषा में, लोन और बड़ी अच्छी भाषा में लेंडिंग। चलो अब समझने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहे हैं कि जिसके पास एक्सेस फंड्स होते हैं बैंक को वो लेंड डिपॉजिट कर देता है, और बैंक ये फंड्स उसको लोन दे देता है जिसके पास डेफिशिट फंड्स होते हैं। और बेटा जी ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग। इज कॉल्ड एज बैंकिंग। अब आप पूछो जो भी आपको डाउट्स है। बी क्विक, क्या क्या समझा दिया मैंने आपको कि बैंकिंग क्या होता है ये भी समझा दिया, और बैंक क्या होता है ये भी समझा दिया। क्या होता है बैंकिंग और बैंक? कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं, कुछ लोगों के पास कम पैसे होते हैं। जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं वो बैंक में इस पैसे को जमा कर देते हैं, और जिन्हें पैसे की जरूरत होती है बैंक उन्हें ये पैसा लोन दे देता है। डन। ये जो डिपॉजिट और लोन का प्रोसेस है इसी को बैंकिंग कहते हैं, यही बैंकिंग है। और हमारे इंडिया में दो बैंक्स काम कर रहे हैं। वी हैव टू बिग टाइप्स ऑफ बैंक, वी हैव टू टाइप्स ऑफ बैंक्स। अगर मैं बात करूं, दो टाइप्स ऑफ बैंक है हमारे यहाँ, एक कमर्शियल बैंक है और एक सेंट्रल बैंक है। अब कोई बताएगा दोनों में क्या फर्क है? एक कमर्शियल बैंक है और एक सेंट्रल बैंक है। और जैसा कि मैंने आपको उस दिन कहा, कमर्शियल होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लोन देता है, और सेंट्रल बैंक जी वो लॉन्ग टर्म देता हो। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से और दोनों दोनों। दोनों और आपके दीदी हिसाब ये बिजनेस यूज के लिए होता है ज्यादातर कमर्शियल बैंक। ठीक है,
और वो डिपॉजिट इतनी अमाउंट चलो और उसमें और दी सेंट्रल बैंक में अमाउंट भी ज्यादा अवेलेबल होता है. ठीक है ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा. ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेती हूँ. कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में ये फर्क होता है बेटा जी, कि जो कमर्शियल बैंक होता है वो पब्लिक के साथ डील करता है. कमर्शियल बैंक इज द ओनली बैंक विच डील्स विद द पब्लिक. सेंट्रल बैंक में तो आप घुस भी नहीं सकते, आप नहीं घुस सकते वहां, आपका जाना अलाउड ही नहीं है. तो क्या लॉन्ग टर्म लोन और क्या शॉर्ट टर्म लोन? सेंट्रल बैंक जो डील करता है, सेंट्रल बैंक डील करता है गवर्नमेंट के साथ. सेंट्रल बैंक डील करता है गवर्नमेंट के साथ और कमर्शियल बैंक्स के साथ और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. ये होता है सेंट्रल बैंक. और सेंट्रल बैंक की ये खासियत होती है कि वहां पे बेटा जी पब्लिक अलाउड नहीं होती है, पब्लिक वहां पे डील नहीं कर सकती. मतलब चाहे मुझे 500 करोड़ का लोन क्यों ना चाहिए हो, जाऊंगी तो मैं कमर्शियल बैंक की. अब मान लीजिए अंबानी को 1000 करोड़ का लोन चाहिए, तब भी वो कमर्शियल बैंक ही जाएगा, क्योंकि पब्लिक डील करने के लिए कमर्शियल बैंक्स होते हैं. सेंट्रल बैंक जो डील करता है वो गवर्नमेंट के साथ डील करता है, कमर्शियल बैंक्स के साथ डील करता है और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, उनके साथ डील करता है सेंट्रल बैंक. बेटा जी कमर्शियल बैंक स्विस बैंक एक कंट्री में मेनी होते हैं. देयर आर मेनी सीबी. सीबी मींस कमर्शियल बैंक. देयर आर मेनी कमर्शियल बैंक. एक कंट्री में बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, लेकिन एक कंट्री का सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक होता है. एक कंट्री में सिर्फ एक सेंट्रल बैंक होता है और वो उस कंट्री का सबसे मेन बैंक होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नाम बड़ी देर से आ रहा है, फॉर एग्जांपल आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और एग्जांपल क्या बेटा जी? यही है इकलौता, क्योंकि आपको पता है एक देश का एक ही सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और कमर्शियल बैंक हो गए जैसे कि बतेरे हैं, बहुत है, अब तो मर्ज हो गए चार में, लेकिन अगर गिने तो बहुत है. एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ओबीसी हो गया, आईओबी हो गया, आईओबी ठीक है जी, येस बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, एक्सेट्रा, कर्नाटक बैंक हो गया. ठीक है जी, ये सारे बैंक होते हैं, ये जो सारे बैंक होते हैं, ये सारे बैंक बेटा जी कमर्शियल बैंक होते हैं. ये पब्लिक के साथ डील करते हैं. एक कंट्री में बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, एसबीआई, पीएनबी, ओबीसी, इंडियन ओवरसीज, येस बैंक, सेंट्रल बैंक, पूर्वांचल, कोटक महिंद्रा, देर आर सो मेनी. आप कितने गिनोगे? इतने बैंक हैं. तो ये सारे बैंक कमर्शियल बैंक हैं, लेकिन इन सबका जो राजा है, जो इन सबको चला रहा है, वो होता है सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक्स किसके अंडर काम करते हैं? ये सारे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के अंडर काम करते हैं. इनका जो हेड है वो सेंट्रल बैंक है, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल बैंक एंड ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री. ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री. क्लियर है? तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक. तो मैं आपको क्या पढ़ाना चाहती हूँ कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में ये फर्क होता है कि कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ डील करता है, जबकि सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ बिल्कुल भी डील नहीं करता. ये उनके साथ डील करता है जिनके साथ कमर्शियल बैंक डील नहीं करता, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कमर्शियल बैंक खुद हो गया. एक कंट्री के अंदर बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक बेटा जी एक ही होता है. एक कंट्री में सिर्फ एक सेंट्रल बैंक होता है, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री के नाम से जानते हैं. डन. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. आगे बढ़ते हैं. हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें इस चैप्टर में दो क्वेश्चन पढ़ने हैं. अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था. क्वेश्चन नंबर वन, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, और क्वेश्चन नंबर टू,
सेंट्रल बैंक के फंक्शंस? बी। हाँ जी दी, वो प्रियांशी के उसमें पता नहीं माइक में प्रॉब्लम हो रही है, उसको आपकी साउंड नहीं आ रही है, तो लीव कर रहे हैं आप, उसे दोबारा ऐड कर लो। अच्छा ठीक है बेटा जी, मैंने ऐड कर लिया शायद। ठीक है जी, तो हमें इस चैप्टर में दो क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एक कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पढ़ने हैं और एक सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ने हैं। इस पार्ट में इतना ही है? हाँ जी बेटा जी इतना ही है, इतना ही है, दैट्स इट। मैंने आपको बोला था ना कि सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ा है, नेशनल इनकम बढ़ा है, यूनिट 3 बहुत बड़ी है, बाकी छह चैप्टर में 6-7 क्वेश्चंस हैं जैसा कि होते हैं। तो आपको पार्ट 2 बैंकिंग के अंदर, यहाँ से हमने शुरू किया था मनी एंड बैंकिंग, दो पार्ट में आप चैप्टर को पढ़ोगे, पार्ट 1 होगा मनी और पार्ट 2 होगा बैंकिंग। फिलहाल आप पार्ट 2 पढ़ रहे हो और पार्ट 2 का नाम क्या है बेटा जी? बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर आपने क्या पढ़ा? ये पढ़ा सबसे पहले कि एक्सेस फंड्स जिनके पास होते हैं वो बैंक में इसे डिपॉजिट कर देते हैं, और जिनके पास डेफिसिट फंड्स होते हैं बैंक उनको लोन देता है। सॉरी, ये जो प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट और लेंडिंग है इसी को बेटा जी बैंकिंग कहते हैं। बैंकिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग, कि कोई डिपॉजिट करेगा फिर बैंक उसको लेंड करेगा, फिर कोई डिपॉजिट करेगा बैंक लेंड करेगा, फिर कोई डिपॉजिट करेगा बैंक लेंड करेगा, ऐसी तो करेगा। और कौन सा बैंक का मैनेजर अपने घर से पैसे लाता है? खुद सोचो, बैंक में दो ही काम तो होते हैं, बड़े बड़े दो ही काम होते हैं बेटा जी, एक तो पैसा जमा होना और दूसरा लोन देना, यही दो काम होते हैं। और जो इन दो काम का प्रोसेस है कि कोई पैसा जमा करेगा फिर बैंक उसको लोन दे देगा जिसे उस पैसे की जरूरत है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग। प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग द एक्सेस फंड्स इनटू बैंक एंड लेंडिंग द फंड्स टू दोज हु नीड देम इज कॉल्ड एज बैंकिंग। अच्छी भाषा में लिख दूं, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग एक्सेस फंड्स इनटू बैंक, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग एक्सेस फंड्स इनटू बैंक and lending to those who need them is called as banking. इसको banking कहते हैं। हाँ जी बोलिए लक्ष्य। आज सर नोट भी कर ले। क्या कह रहे हो? लास्ट में आप कर ले साथ सर जी, आप लास्ट में टाइम दो। कैसे भी कर लो बेटा जी। The process of depositing excess funds into bank and lending to those who need them is called as banking. मैं एक बार लास्ट में भी दिखा दूंगी लक्ष्य वैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। There are two types of bank. एक का नाम होता है commercial bank और दूसरे का नाम होता है central bank. कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ डील करता है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के साथ डील करता है। एक कंट्री में बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं लेकिन बेटा जी एक कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है। और एग्जाम्पल्स कमर्शियल बैंक के तो बहुत सारे हो गए, SBI, PNB, OBC, IOB, बट सेंट्रल बैंक एक ही होता है जिसका नाम होता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमें चैप्टर में कितने क्वेश्चंस पढ़ने हैं? दो। एक तो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस और दूसरे सेंट्रल बैंक के फंक्शन, इसके भी फंक्शंस पढ़ने हैं और इसके भी फंक्शंस पढ़ने हैं। तो एक आंसर आप लोग फटाफट से दे दो, कौन सा बैंक ध्रुव बड़ा है, कमर्शियल या सेंट्रल? कमर्शियल बैंक। अरे कौन सा बैंक बड़ा बैंक है? सेंट्रल। हाँ कौन सा बैंक तनिषा बड़ा हुआ, कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक? सेंट्रल। सेंट्रल, एग्जैक्टली। तो सेंट्रल बैंक बड़ा होता है और कमर्शियल बैंक छोटा होता है। कौन किसके अंडर काम करता है? दो दो आंसर्स दो। कौन कमर्शियल बैंक सेंट्रल के अंडर? कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो आजकल किसके अंडर काम करते हैं अनुराग? सेंट्रल बैंक के अंडर काम करते हैं। सेंट्रल बैंक। हाँ तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के अंडर काम करते हैं। तो हम सबसे पहले सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ेंगे। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस कि सेंट्रल बैंक क्या करता है। पूरे हिंदुस्तान का बेटा जी सबसे बड़ा बैंक है ये जो आप पढ़ने जा रहे हो, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंकों को यही चलाता है। RBI का जो गवर्नर होता है, RBI का जो गवर्नर होता है ही इज वेरी पावरफुल पर्सन। आपने देखा होगा कि हर करेंसी के ऊपर RBI के गवर्नर के साइन होते हैं, तो RBI का गवर्नर अपने आप में बहुत पावर रखता है देश में। तो RBI जो है वो हमारे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप फटाफट से एक ये डिफरेंस नोट कर लो, मैं एक मिनट रुक जाऊं।
फिर दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। ये बैंक बैंकिंग वाली प्रोसेस वाली वो आप डेफिनेशन लिखो। ठीक से दूसरे वाली स्क्रीन पर दिखा। हां जी पहले वाली लीजिए। दीदी स्लाइड चेंज कर दो। किसका हो गया है वही वाली स्क्रीन दिखा दो। दीदी दिखा दो दूसरे वाली स्क्रीन। नहीं दीदी दो मिनट रुक जाओ प्लीज। रुक रही हूँ बेटा जी, दोबारा कर दूंगी। आप फटाफट नोट करो और हेडिंग डालो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। ये छोटी छोटी चीजें हैं तो इसलिए फटाफट से कर लीजिए। दीदी मेरा तो पिछला ही नहीं हुआ अभी। तो लिख भी दिया। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जी हो गया। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। एक सेकंड रुक जाओ। पहले सेंट्रल बैंक्स के फंक्शन पढ़ते हैं, फिर कमर्शियल बैंक। हो गया जी। Functions of central bank. दो banks है हमारे पास, commercial और central. Functions of central bank. ठीक है जी, इंडिया में एक ही होता है, आप समझ गए हो, उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड एज MAI, मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी, याद रखना ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, इससे बड़ा बैंक कोई नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बैंक है जिसका नाम होता है सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। शुरू करते हैं, सबसे पहला काम क्या है, आप में से किसी को कोई आइडिया? सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा काम, इससे बड़ा काम कुछ नहीं है जो आप बोलोगे, सबसे बड़ा काम सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा काम है इशू ऑफ करेंसी। सबसे बड़ा काम कि आपके देश में जितनी भी करेंसी इशू होती है वो सारी करेंसी कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी इशू करता है। बेटा जी, आरबीआई इज आ सोल अथॉरिटी, आपके देश की बात कर रही हूं, आरबीआई इज अ सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी। आपके पूरे देश में करेंसी इशू करने की पावर सिर्फ आरबीआई के पास है। आरबीआई इज अ सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी, सारी पावर इसके पास है। सिर्फ आरबीआई में ही करेंसी छप सकती है और कहीं भी करेंसी नहीं छपेगी, और जब करेंसी छपेगी तो उस पे आरबीआई के गवर्नर के साइन करवाए जाएंगे। तो सोचो, पैसे से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता, और करेंसी छापने का सोल पावर आरबीआई के पास है, वो कितनी भी करेंसी छाप सकता है। इंडिया में बेटा जी मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो किया जाता है करेंसी छापने के लिए। मिनिमम रिजर्व सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया फॉर इशूइंग करेंसी। हमारे देश में करेंसी इशू करने के लिए ये वाला सिस्टम, इस वाले सिस्टम का पालन होता है, MRS बोलते हैं इसको शॉर्ट में। देखिए MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, क्या होता है इस सिस्टम के अंदर? इस सिस्टम के अंदर आरबीआई हैज टू मेंटेन 200 करोड़ ऑफ रिजर्व, 200 करोड़ रुपए का रिजर्व बनाना पड़ता है, जिसमें से आउट ऑफ विच 115 करोड़ का तो बेटा जी गोल्ड होगा, गोल्ड के बॉन्ड्स, इसीलिए आपके देश में गोल्ड की कीमत इतनी फ्लक्चुएट करती है। आउट ऑफ विच 115 करोड़ का गोल्ड होगा और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज होंगी। करोड़ की
फॉरेन सिक्योरिटीज होंगी। क्या समझ में आया कि आरबीआई ही एक सोल अथॉरिटी है जो करेंसी को इश्यू कर सकता है, आरबीआई के अलावा इसकी ऐसी पावर और किसी के पास नहीं है। हमारे देश में करेंसी इशू करने की पावर सिर्फ आरबीआई के पास है और आरबीआई करेंसी इशू करने के लिए एमआरएस नाम के सिस्टम का पालन करता है। एमआरएस मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसके अंतर्गत आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का रिजर्व बनाना पड़ता है। इस 200 करोड़ में से बेटा जी 115 करोड़ का गोल्ड होता है और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज होती है। 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज होती है। उसके बाद आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी छाप सकता है। तेजस्वनी आपकी वॉइस में बेटा जी कुछ प्रॉब्लम है, थोड़े दिनों से तो क्लियर नहीं आती, तो कोई बात नहीं, आप मुझे या तो चैट पे डाल दो क्वेश्चन, मैं देख लेती हूँ। चल तो 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज का रिजर्व जब आरबीआई बनाएगा, उसके बाद आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी छाप सकता है, अनलिमिटेड कितनी भी छाप ले। तो मैं अक्सर बच्चों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपसे भी पूछूंगी कि बेटा जी जब ऐसा है, वाओ ना, वैसे कितना इंटरेस्टिंग बात है कि 115 करोड़ और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज का रिजर्व बनाने के बाद आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट कर सकता है, अनलिमिटेड करेंसी कैन बी इशूड। तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते बेटा जी, जैसे हमने 200 करोड़ का रिजर्व बनाया, आप मेरा आइडिया सुनो, तो हमने 200 करोड़ का रिजर्व बनाया, उसके बाद हम इतनी करेंसी छाप लेते हैं, फिर सारे गरीबों में बांट देंगे, फिर सब गरीब अमीर हो जाएंगे, फिर हमारा देश सबसे अमीर देश हो जाएगा, तो ऐसा क्यों नहीं करते? अब दो मिनट सोचो, हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। एग्जैक्टली, और कुछ, ये तो है, ठीक है, अगर हम इतनी करेंसी छाप देंगे तो हमारी करेंसी की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी और बेटा जी पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा। अगर सबके पास पैसा होगा तो कोई किसी के लिए काम क्यों करेगा? देखो इकोनॉमी में सिर्फ, देखो इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। अगर कुछ लोग गरीब हैं तभी तो वो अमीरों के लिए काम कर रहे हैं ना। अगर हर कोई अमीर होता तो कोई किसी के लिए काम क्यों करता? इसलिए हमने कुछ लोगों को लो इनकम ग्रुप में रख रखा है, कुछ लोगों को मिडिल इनकम ग्रुप में, कुछ लोगों को हाई इनकम ग्रुप में। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आरबीआई 100-200 करोड़ का रिजर्व के बाद अनलिमिटेड करेंसी छाप सकता है, लेकिन करेंसी छापना मतलब महंगाई को इनविटेशन देना। आप जितनी ज्यादा करेंसी छापोगे महंगाई उतनी बढ़ेगी, क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, अब ना आप थोड़ी अलग लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इस लेवल की इकोनॉमिक्स आपकी 11th में नहीं थी, अब आप प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो कि देश कैसे चलता है। जितनी ज्यादा करेंसी छापी जाएगी उतना देश में महंगाई बढ़ेगी, कॉमन सी बात है, क्योंकि करेंसी छपेगी तो आएगी तो देश में ही। जब पैसा इस सर्कुलेशन में घूमेगा, लोगों के हाथों में आएगा, तो महंगाई बढ़ेगी। डीमोनिटाइजेशन के टाइम क्या हुआ, जब नोटबंदी कर दी गई तो लोगों के हाथ में पैसा था ही नहीं, तो रिसेशन आ गया। अब जब कोरोना वायरस आया तो क्या हुआ, लोगों के पास पैसा है ही नहीं, तो रिसेशन है। दुकानें खुली है लेकिन भीड़ नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो लोग कहाँ से जाएंगे? दो द थिंग इज, क्योंकि लोगों की इनकम 2-3 महीने के लिए बंद थी, तो हर कोई पैसा खर्च करने से पहले इस टाइम सोच रहा है। Are you getting my point? तो अनलिमिटेड करेंसी इशू करने की पावर इसलिए दी गई है कि अपनी देश की स्थिति के हिसाब से इशू कर लो। सिंपल फंडा है कि अपने देश की स्थिति के हिसाब से इशू कर लो। 200 करोड़ का रिजर्व बनाने के बाद आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी छाप सकता है। सोचो बैठ के दो मिनट कि आरबीआई के गवर्नर के ऊपर कितना स्ट्रेस होता होगा कि कितनी करेंसी छापनी है। अच्छा, कभी कभी तो बेटा जी फ्रेश करेंसी प्रिंट होती है, और कभी कभी ना रिसाइकल्ड करेंसी प्रिंट होती है, जैसे कि पुराने नोट है तो कमर्शियल बैंक ने पुराने नोट इकट्ठे करे, आरबीआई को दिए और आरबीआई ने फ्रेश करेंसी छाप दी। जैसे नोट पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, उससे महंगाई नहीं होती, उससे क्या है, पैसा सर्कुलेशन में तो उतना ही रहा ना। कमर्शियल बैंक ने फटा हुआ 100 रुपए का नोट आरबीआई को दिया और आरबीआई ने नया नोट छाप दिया, उससे महंगाई नहीं होती। लेकिन जो फ्रेश करेंसी छपती है, जब वो मार्केट में आती है, और कैसे आती है ये आप समझोगे कि फ्रेश करेंसी इशू होके मार्केट में कैसे आती है। आपने कभी सुना कि आज आरबीआई ने फ्रेश करेंसी छापी और बांट दी? ऐसा तो कभी नहीं होता।
जब आरबीआई फ्रेश करेंसी छापता है तो वो मार्केट में कैसे आती है ये भी आप पढ़ोगे। और बेटा जी आरबीआई बहुत सोच समझ के फ्रेश करेंसी छापता है गवर्नमेंट के निर्देश पर, अदरवाइज विदाउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई फ्रेश करेंसी जल्दी से प्रिंट नहीं करता है। तो जितनी ज्यादा फ्रेश करेंसी प्रिंट की जाएगी महंगाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसी के साथ आपके लिए एक नई बात, आरबीआई ओनली इश्यूज करेंसी नोट्स। हमारी करेंसी में दो चीजें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, एक तो नोट है और दूसरे कॉइन। कॉइन्स, एग्जैक्टली, एक नोट्स है एक कॉइन्स है। आरबीआई सिर्फ नोट इशू करता है, वो भी बेटा जी एक्सेप्ट रुपी वन नोट। मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ है। आरबीआई सिर्फ करेंसी इशू करेगा, वो भी नोट, और एक रुपए का नोट आरबीआई इशू नहीं करेगा, एक्सेप्ट रुपी वन नोट एंड कॉइन्स। एक रुपए का नोट और कॉइन आरबीआई इशू नहीं करता है। तो एक रुपए का नोट और कॉइन्स कौन इशू करता है? रुपीज वन नोट एंड कॉइन्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको इशू करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया गया है, इसको इशू करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। क्लियर है? क्या क्या समझ आया? आरबीआई सिर्फ नोट छापता है, उसमें भी वो एक रुपए का नोट नहीं छापता और कॉइन्स तो वो बिल्कुल भी नहीं छापता। एक रुपए का नोट और कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, एक मिनट बचा है वीडियो एंड होने में, तो आप एकदम से कनेक्ट हो जाना और ये सोचो कि एक रुपए का नोट और कॉइन्स आरबीआई क्यों नहीं छापता। हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। मतलब ऐसा क्यों कि एक रुपए का नोट और कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापेगा? व्हाई? आंसर मिला, वन रुपी का नोट और कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू क्यों नहीं करता? हां जी, आंसर्स। आचल, मिताली, कोई आंसर है? नहीं दी। चलो दीदी। हां जी, ऐसा हो सकता है कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही जब तक मतलब नहीं करेंसी आती, रुपीज में नहीं आते, तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सारे करेंसी बनाती होगी और बाद में आरबीआई ने नोट बनाना शुरू करे, तो इस वजह से तो हमने उनपे दया कर दी कि चलो एक रुपए का नोट और कॉइन तुम छाप लो क्योंकि तुम पहले से ही करते हो और बाकी सब आरबीआई से करेगा। चलो ठीक है, और बोलिए बोलिए तेजस्वी। उनकी ईगो हर्ट होती है, उनकी ईगो हर्ट होती है। वाह वाह वाह, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे बच्चे हम। चलो सुनो, ध्यान से सुनो, मैं बताती हूँ क्यों ऐसा किया गया। क्योंकि बेटा जी हमारे देश में एक रुपए का जो नोट है वो सबसे छोटी करेंसी है। अब आप प्रैक्टिकली सोचना, जो एक रुपए का नोट है और जो कॉइन्स है वो सबसे छोटी करेंसी है जिसकी डिमांड सबसे कम होती है। आप भी दो मिनट सोचो प्रैक्टिकली, जिस आपके घर में कितने एक रुपए के नोट होंगे? एक भी नहीं होगा। एक रुपए का नोट और जो कॉइन्स होते हैं ये हमारे देश की सबसे छोटी करेंसी होती है, और जितने भी कॉइन्स होते हैं ये भी सबसे छोटी करेंसी होती है। और बेटा जी इसका हमने जो इशू का पावर है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इसलिए दे रखा है कि अगर ये ज्यादा इशू हो रहा है और अगर इसकी डिमांड ज्यादा आ रही है, अब आप बताओ तो देश ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? अब आप बोलो, अब आपकी बारी। अगर एक रुपए के नोट और कॉइन्स की डिमांड देश में बढ़ रही है तो देश ऊपर जा रहा है कि देश नीचे आ रहा है? नीचे। इसीलिए नीचे जा रहा है क्योंकि बेटा जी छोटी करेंसी की डिमांड जब बढ़ती है तो मतलब लोगों के पास पैसे की किल्लत हो गई है, वो गरीब हो रहे हैं। छोटी करेंसी की डिमांड बढ़ना मतलब देश नीचे जा रहा है, और बड़ी करेंसी की डिमांड मतलब बढ़ रही है तो मतलब कि देश ऊपर जा रहा है। तो इसलिए एक रुपए का नोट और कॉइन्स की पावर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में दे रखी है क्योंकि इससे देश का डेवलपमेंट पता चलता है काफी हद तक। एक आइडिया मान सकते हो इसकी डिमांड कितनी होती है, आप खुद बताओ। एक रुपए का नोट और कॉइन, कॉइन तो कोई हमें भी देता है ना तो हम भी उसे वापस कर देते हैं, नहीं भैया नोट दे दो,
तो द थिंग इज कि कॉइन्स और नोट्स की डिमांड इकोनॉमी में ज्यादा नहीं होती है बेटा जी, इसलिए इसकी जो पावर है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास दी गई है। और इससे ये पता लगाया जा सकता है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये पता लगे कि एक रुपए के नोट और कॉइन की डिमांड इकोनॉमी में बढ़ रही है, तो वो इससे जज कर सकते हैं कि इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है और गरीब जनता बढ़ रही है और अमीर जनता कम हो रही है, इसलिए इसकी पावर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दी गई है। जितना मुझे इस टॉपिक में पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, अब आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछो। सेंट्रल बैंक का सबसे पहला फंक्शन होता है इश्यू ऑफ करेंसी। आरबीआई सोल अथॉरिटी है जो करेंसी इशू करता है बेटा जी, वो एमआरएस को फॉलो करता है, जिसके लिए उसको 200 करोड़ का रिजर्व बनाना पड़ता है जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज होती है। इसके बाद वो अनलिमिटेड करेंसी छाप सकता है। आरबीआई सिर्फ करेंसी नोट्स छापेगा, वो भी एक रुपए का नोट और कॉइन्स नहीं छापेगा। एक रुपए का नोट और कॉइन्स छापने की जो पावर है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में दी गई है। ये आरबीआई का सबसे पहला फंक्शन है जिसका नाम है इश्यू ऑफ करेंसी। आई होप आई एम क्लियर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है बेटा जी, तो सबसे बड़ा बैंक का सबसे पहला फंक्शन तो अपने आप बहुत बड़ा होता है। अब आते हैं आरबीआई के दूसरे फंक्शन पे। आरबीआई का दूसरा फंक्शन है कि आरबीआई बेटा जी बैंकर्स बैंक है। बैंकर्स बैंक क्या कहा? बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक, यही तो हुआ बैंकर्स बैंक। आरबीआई बैंकर्स बैंक है, मतलब सारे बैंकों का बैंक है। ऑल कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड अंडर, ऑल कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड अंडर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के अंडर रेगुलेट करते हैं, इनके सारे रेट्स डिसाइड करता है आरबीआई। जो भी रेट है, चाहे वो सेविंग का रेट हो चाहे वो लोन का रेट हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ वही वाले रेट, चाहे डिपॉजिट के रेट्स हो बेटा जी चाहे लोन के रेट्स हो, जितने भी डिपॉजिट होते हैं। आपने सुना होगा कि सुना क्या होगा, आपने तो पढ़ रखा है कि बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, एफडी होती है, आरडी होती है, तो जितने भी अकाउंट के रेट्स वेट्स होते हैं, लोन भी आपने पढ़ा था, शॉर्ट लोन होता है, मिडल लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है, सारे लोन्स का, सारे डिपॉजिट्स का जो रेट है वो आरबीआई द्वारा डिसाइड किया जाता है। नंबर टू रिजर्व्स कितना मेंटेन होगा, रिजर्व्स मेंटेन करने का रेट, ये भी आरबीआई डिसाइड करता है। क्या होता है बेटा जी, बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स आते हैं, आरबीआई ने बैंक को कह रखा है कि ऐसे नहीं करना कि जितने भी डिपॉजिट आए सारा लोन दे दिया। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि बैंक के पास डिपॉजिट आते हैं और फिर बैंक लोन देता है, तो बैंक को अपने डिपॉजिट्स के दो हिस्से करने पड़ते हैं, एक हिस्सा होता है लोन और दूसरा हिस्सा होता है लीगल रिजर्व रेशियो। तो ये जो लीगल रिजर्व रेशियो है, इस LRR का रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। ऐसा क्यों बेटा जी कि जितना भी डिपॉजिट आएगा सारा लोन नहीं देना, रिजर्व बनाना है? क्या आप बता सकते हैं वाई? ऐसे बैंकों को ये अलाउड क्यों नहीं है कि जितना भी पैसा जमा हो सारा लोन दे दो? दीदी क्योंकि अगर जो जिन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट किया है अगर वो अचानक से सारा मांगने वापस आ गए तो बैंक का दिवालिया नहीं। एग्जैक्टली, बैंक कहाँ से लाएगा? और बेटा जी कुछ पैसा तो रिजर्व बनाना ही चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि अगर इंसान पैसा कमा भी रहा है तो भी उसे रिजर्व करना चाहिए थोड़ा सा। इमरजेंसी तो कभी भी आ जाती है, फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो अगर बैंक के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट हुआ है वो सारा लोन दे देगा, तो जब उसके पास निकालने जाएंगे तो आपको क्या देगा? आपको तो घर भेज देगा कि जी हमने तो लोन दे दिया, कल आना, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए बैंक कहता है, आरबीआई कहता है कि आप कुछ रिजर्व बनाएंगे और कुछ लोन देंगे, सारा रिजर्व नहीं, सारा लोन नहीं देंगे। बैंक ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोन दूं, ऐसा क्यों? जितना लोन देगा उतना इंटरेस्ट सैलरी भी निकलेगी एम्प्लॉइज की। बैंक की सबसे बड़ी कमाई क्या है? सबसे बड़ी क्या, बैंक की तो एक ही कमाई है, इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट जो वो किस पे चार्ज करता है, लोन पे, क्योंकि डिपॉजिट पे लोन बेचारे को देना पड़ता है. तो इसलिए बैंक तो ये चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोन दें. आज आप ये सीख लो, बैंक ये चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोन दें, लेकिन सरकार और आरबीआई ये नहीं चाहते. आरबीआई कहता है कि जी पब्लिक का पैसा ऐसे कैसे लोन दें. अब आप देखो कि पीएनबी है, एसबीआई है, कितने बड़े बड़े फ्रॉड में ये फंसे हुए हैं. जैसे पीएनबी विजय माल्या, एसबीआई विजय माल्या, पीएनबी नीरव मोदी. अब करोड़ों रुपए का फ्रॉड है. क्या फ्रॉड है? लोन दिया था, पैसे नहीं आए. तो बैंक क्या सोचता है कि बैंक सोचता है कि मैं इंटरेस्ट कमाऊं. इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में वो लोन दे देता है. लेकिन बेटा जी पैसा तो पब्लिक का है. तो इसलिए आरबीआई आपका पूरा ध्यान रखता है. आरबीआई की वजह से ही आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है. अगर आरबीआई ना होता बेटा जी, तो आपका पैसा बैंक में सुरक्षित होता ही ना. फिर तो बैंक वाले अपनी मर्जी से लोन बांटते और आपका सारा पैसा लूट चुका होता. हमें पता है कि बैंकों के पीछे कोई आरबीआई है, इसलिए हम बिल्कुल सेफ होके बैंक में लाखों करोड़ों रुपए जमा करते हैं. तो इसलिए आरबीआई जो है वो अपने डिपॉजिट्स के दो हिस्से करता है, एक लोन और एक लीगल रिजर्व रेशो. और वो एलआरआर का रेट कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई. अच्छा जी, इसके अलावा लेट्स मूव ऑन. और क्या करेगा भाई? ये हो गया लोन का रेट, हो गया रिजर्व्स का रेट, हो गया. अच्छा जी, इसके अलावा बेटा जी एक सेकेंड दीजिएगा मुझे. हाँ जी, तो नंबर वन, सारे रेट्स कौन डिसाइड करेगा? डिपॉजिट्स और लोन के आरबीआई डिसाइड करेगा. आपको एफडी पे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, बहुत ध्यान से समझना. आपको एफडी पे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, ये बेटा जी आरबीआई डिसाइड करता है. बैंक कितना रिजर्व्स बनाएगा, ये भी आरबीआई डिसाइड करता है. इसके अलावा नंबर थ्री, बैंक्स को फाइनेंशियल एडवाइस देने का काम भी आरबीआई करता है. और अभी मैंने आपको क्या बोला कि हम तसल्ली से घर बैठे हैं कि हमारा पैसा बैंक में सेफ है. बिकॉज बैंक आरबीआई जो है वो बैंकों के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है. ये टीचर आपसे सबसे ज्यादा पूछेगा कि ये क्या है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब इन केस बैंक गेट्स इंसॉल्वेंट, किसी कारणवश अगर बैंक डूब गया, तो आरबीआई विल प्रोटेक्ट द बैंक बाय लेंडिंग फंड्स. जैसा कि होता भी है, एक सेकेंड, आरबीआई विल प्रोटेक्ट द बैंक By lending funds. क्या समझाना चाहती हूँ कि अगर किसी कारणवश बैंक डूब गया, अब जैसे बेटा जी अभी विजय माल्या की बात नहीं करते, वो तो पुरानी हो गई, बिल्कुल लेटेस्ट यस बैंक की बात करते हैं. तो यस बैंक आप सबने सुना होगा, फेसबुक पे भी बहुत ट्रेंडिंग था. जिन्हें नहीं पता, यस बैंक बेटा जी बहुत बुरी तरीके से इंसॉल्वेंट हो गया था अभी रिसेंटली, एक महीना भी नहीं हुआ. तो एक महीना तो नहीं, ज्यादा हो गया, हाँ अराउंड मार्च में. हाँ जी, तो मार्च में यस बैंक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया था और बहुत तगड़ा लोन दे रखा था और लोन वापस नहीं आ रहा था. पता नहीं किस किस को लोन दे रखा है, लोन ही नहीं दे रहे लोग वापस. तो जब लोग लोन वापस नहीं देते तो बैंक बेटा जी दिवालिया घोषित हो जाता है, क्योंकि बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? पब्लिक का पैसा, तो लोन दे दिया और जिसे लोन दिया वो दे नहीं रहा. और बैंक अपने चक्कर में ना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, लालच कि लोन दूंगा ब्याज आएगा. बैंक शुड डू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कि वो किसे लोन दे रहे हैं. तो लोन देने में भी बहुत घोटाला होता है, बहुत करप्शन है. तो जब येस बैंक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया तो ये बोला गया कि जिनका भी येस बैंक में अकाउंट है उनकी विड्रॉइंग्स को लिमिटेड कर दिया गया कि आप इतना इतना पैसा निकालोगे. तो लोग डर गए कि जी बैंक डूब गया, हमारा पैसा डूब गया. तो आरबीआई ये कहता है कि अगर कभी भी बैंक डूबता है
तो आरबीआई बैंक को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेगा, तो इसलिए पब्लिक का पैसा बैंकों में सेफ है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि बेटा जी आपका जितना भी पैसा बैंक में है उसमें से सिर्फ 5 लाख सेफ है, क्योंकि आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि अगर किसी भी केस में बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हम आपको 3 लाख था पहले आई गए सब 5 हो गया या 3 हो गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं एक बार चेक करके आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगी कि 3 लाख या 5 लाख का कुछ फिगर डिसाइड हुआ है अभी बजट में डिसाइड हुआ है। तो चाहे आपका करोड़ों रुपए क्यों ना हो बैंक में, अगर बैंक डूब गया तो आपको 3 लाख रुपए देंगे, घर भेज देंगे, इतना ही आपका सेफ है बस। तो इसलिए आरबीआई जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, वो कोशिश पूरी करेगा बैंक को बचाने की, पर अगर इन केस बैंक इंसॉल्वेंट हो ही गया तो आरबीआई की भी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। तो हमें अभी हम बच्चे हैं तो हमारे माँ बाप को हमें ऐसा लगता है कि बैंक में पड़ा हुआ सारा पैसा सेफ है, सेफ कहीं नहीं है। अगर बैंक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो बेटा जी 3 लाख या 5 लाख जो भी फिगर है उतने के लिए बैंक लायबल है, बाकी के लिए बैंक आपको जानता भी नहीं है कि आप कौन हो, चाहे आपका करोड़ों रुपए क्यों ना हो। तो दिस इज द थिंग। तो आरबीआई बैंक के लिए क्या क्या करता है, एक तो सारे रेट डिसाइड करता है, रिजर्व्स के रेट डिसाइड करता है, डिपॉजिट्स और लोन के रेट डिसाइड करता है, फाइनेंशियल एडवाइस देता है और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। इसे नोट करिए। और कोई क्वेरी पूछ रहा था बेटा जी तो वॉइस क्लियर नहीं हुई, आपको दोबारा बोलना पड़ेगा। ऐसे केस नहीं कर सकते बैंक के ऊपर ना बेटा जी, क्योंकि केस तो तब करेंगे ना जब बैंक ये कहे कि हाँ मैं पूरा लायबल हूँ। बैंक तो खुद कहता है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, पीपल आर अनएजुकेटेड। बैंक तो बोल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी मैं लायबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ 3 लाख के लिए लायबल हूँ, लेकिन लोगों को ही नहीं समझ आ रहा है, पीपल आर नॉट अवेयर। लोगों को ऐसा लगता है कि बैंक में पड़ा हुआ एक एक रुपया सेफ है, ये आपका मिस इंटरप्रिटेशन है। मैं तो बोल ही रही हूँ कि सिर्फ 3 लाख रुपए सेफ है, अब आप कुछ भी मानते चलो। आरबीआई ने अपनी नोटिफिकेशन में बकायदा इसे लिख रखा है, बजट में इसे पास किया गया, इस साल इसकी लिमिट बढ़ाई गई है, पिछले साल तक तो 1 लाख ही था, अब इसको बढ़ा के 3 लाख करा गया है और शायद दोबारा बढ़ा के 5 लाख करा गया है, पर अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो बस इतना ही पैसा सेफ है आपका, ये तो बजट में लिखा गया है। अब पब्लिक को ये नहीं पता तो इसमें बैंक क्या कर सकते हैं, हाँ बट आरबीआई कोशिश पूरी करेगा। आरबीआई ने बचाया है, जब नीरव मोदी ने 500 करोड़ का घोटाला किया तो आरबीआई ने पीएनबी को बचाया, विजय माल्या ने 1000 करोड़ का घोटाला किया तो आरबीआई ने एसबीआई को बचा लिया, किसी पब्लिक का पैसा नहीं डूबने दिया। बट इन केस अगर आरबीआई नहीं बचा पाता है तो उतने के लिए ही वो लायबल है। इसे नोट करो, मैं भी यही हूं, आप इसे नोट कर लीजिए पहले और 1 मिनट दीजिए मुझे। इससे पहले वाले नहीं करा नोट। एक पेज छोड़ के नेक्स्ट पेज पे कर लिया नोट, फिर उस पर दूसरे वाला कर लिया।
बोलिए बेटा जी, जिससे जो डाउट्स है। बैंकर्स बैंक और इशू ऑफ करेंसी, आरबीआई के दो फंक्शंस। अभी हमें वो भी दिखा रही हूँ बेटा जी, ये एक मिनट अब शुरू कर दिया होगा इन्होंने, एक मिनट ये नोट कर ले फिर वो दिखा। दो फंक्शंस पढ़ाए हैं मैंने आज आपको आरबीआई के, एक तो इशू ऑफ करेंसी और एक बैंकर्स बैंक। ये वाला है और एक ये वाला है, आप एक मिनट ले लो ये नोट कर लो। दीजिए इसके दोनों नोट हो गए, उसे भी रुकना है? नहीं बेटा जी, अब कुछ पूछना है तो दी। नमस्ते। नमस्ते जी, छुट्टी? ठीक है, थैंक यू दी। नमस्ते। नमस्ते जी। मैं इश्यू ऑफ करेंसी बेटा जी आपको एक बार ग्रुप में भी भेज देती हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते जी।